यदि दुर्योधन कर्ण की बजाय 16वें दिन अश्वत्थामा को सेनापति बनाता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता, क्योंकि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के अंशावतार थे। दुर्योधन अश्वत्थामा की शक्ति को नहीं पहचान पाया। रुद्रांश अश्वत्थामा को अजर अमर होने का वरदान था। वह भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने युद्ध कौशल की शिक्षा परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि महापुरुषों से भी ली थी। लेकिन कहा जाता है कि दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य अमर हैं, यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल की थी। 18वें दिन दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों की बची लाखों सेनाओं, पुत्रों और गर्भ में पल रहे पांडवों के पुत्रों तक को मौत के घाट उतार दिया था। पांडव जीत कर भी हार गए।